नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं मोशन इन प्लेन के टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं बेटा, है ना। क्या बोला गया? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए विथ वेलोसिटी यू रूट टू एट एन एंगल ऑफ 45 विथ हॉरिजॉन्टल एज शो इन द फिगर। इट स्ट्राइक द प्लेन बी सी एट राइट एंगल, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टिकल गिर रहा है उसकी जो एंगल की बात कर रहे हैं, तो वो कितने एंगल पर यहाँ पर गिरेगा बेटा? ये जो पार्टिकल गिरेगा वो 90 डिग्री पर गिरेगा, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कुछ इस तरीके से होगी वी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आगे क्या बोला गया हमसे कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम ऑफ कोलिजन इज, है ना। जब ये वी की वैल्यू पूछा हमसे कि इस वी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो क्या होगा बेटा? इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। तो यहां पर ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ठीक। तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो आएगी वी कॉस 60 डिग्री और ये आएगा बेटा वी साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि देखो, जब पार्टिकल की अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें तो यू रूट टू कॉस 45, ये होगा बेटा यू रूट टू कॉस 45, और वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी यू रूट टू साइन 45, ठीक। तो इसमें मेन काम की चीज क्या, अपने की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये क्या रहती है? हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जब ये गिरेगा तब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वी साइन थीटा, वो किसके बराबर होगी? टू यू रूट टू कॉस 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वी साइन 60 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो देखो कॉस 45 मतलब 1/√2 और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यू इक्वल्स टू कितना है भाई यहाँ पे? वी, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी गेट हियर वी इक्वल्स टू 2u/√3, है ना। यह वेलोसिटी होगी जब पार्टिकल कहां पे गिरेगा? आपका जो इंक्लाइन है उस पर जब गिरेगा 90 एंगल पर, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 2u/√3, ठीक है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्यों? क्योंकि घर भला तो हो भला।